हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। सातवीं बीपीएससी बीआरएससी सीडीपी वन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एडिटोरिया का करंट अफेयर करवाया जा रहा है, जो कि वार्षिकांक 2022 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत सेट नंबर एक के करंट अफेयर के क्वेश्चन, ताकि आपका रिविजन हो सके। पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चेक रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है, 8 मई 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है, यह आयुष मंत्रालय के किस तहत किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, गुजरात में आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में खोला गया है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटरीना नोवाक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, पूर्वी रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ 2022 में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वोमेंस एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा यूनिसेफ। अगला है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वी ड्रीम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आंसर होगा स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है,
तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बिहार। अगला है, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं RBI। अगला है, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड COVID-19 वैक्सीन को कोविफेज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमान संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा आगरा। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी दी वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं कवच। अगला, रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं 3 मार्च। अगला है, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं वियतनाम। अगला है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी, उपयोग सभी। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। भारत ने कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है? तो इसका आंसर होगा नैरोबी। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ढाका किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला है, अभ्यास लिनक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी। कैप्टन दीपम चटर्जी, दी मिलेनियम योगी, मिथिलेश तिवारी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, सृष्टि झा, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक DMAT खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिस्पेंसरी कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल डिस्पेंसरी सर्विस लिमिटेड भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्सिलोना स्पेन। अगला है, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा उस्ताद अजमत अली खान। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।